आजमिन खान, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर से एक्टिव हो चुकी हैं, एक बार फिर से वो सामने आ चुकी हैं और लगातार जनता का समर्थन करती देखी जा रही हैं और लगातार जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, क्योंकि वो समझ चुकी हैं कि क्या जनता के हित में है और क्या जनता के फायदे में नहीं है। आपको बता दें कि अब वो जनता को एक नसीहत देती हुई सामने आई है। उन्होंने बहुत सोच विचार से एक सही बात कही है और कहा है कि जनता से कि सिर्फ आप वोटर लिस्ट में आप अपना नाम ऐड करवा लीजिए, आप अपनी वोटर लिस्ट में जो भी गलतियां हैं वो ठीक करा लीजिए, वोटर लिस्ट में आप नाम ऐड करा लीजिए, उसके बाद आपकी नागरिकता को कोई भी खतरा होने वाला नहीं है, भाजपा सरकार आप पर निशाना नहीं साध सकती है। आपको बता दें कि ये सवाल सबसे पहले भी उठाया जा सकता है और उठाता जा रहा है कि जब हम ही आपको वोट देते हैं, जब हमारे जरिए सरकार बनाई जाती है, आप बड़े बड़े पद पर आते हैं, हमारे वोट के जरिए आते हैं, फिर आप हम ही से हमारी नागरिकता पर सवाल उठा रहे हैं, हम ही से हमारी नागरिकता का सबूत देने के लिए हमसे बोल रहे हैं, तो ये सरासर भाजपा सरकार की चाल है। पहले तो वोट पा लिया, अब उन्हीं जनता पर निशाना साध रही है, तो खास तौर पर जनता तो आक्रोश में आएगी ही, सड़कों पर उतरेगी ही कि आप हमारा ही खाते हैं और हमसे ही सवाल करते हैं। ये कहावत तो आपने सुनी होगी और ये कहावत भी सही है भाजपा सरकार के लिए, और एकदम सही कहा है ममता बनर्जी ने कि वोटर लिस्ट में नाम जरूरी है। आप वोट देते हैं, आपका अगर वोटर लिस्ट में नाम है, आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो आपको कोई खतरा है ही नहीं, आपको भाजपा सरकार यहाँ से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और खास तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि इतने सालों से जनता वोट देती आई हुई है, तो वोटर आईडी में नाम तो जरूर होगा, अगर नहीं है तो आप अपना नाम जरूर चढ़वा लें, और ये आपके लिए सही भी है। और ये आपको बता दें कि इन्हीं दस्तावेजों के जरिए भारत पे निशाना साधा जा रहा है, जनता पर निशाना साधा जा रहा है। भाजपा सरकार जो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आई है, बोलकर तो वो इसलिए आई है कि असम में जो घुसपैठी हैं हम उन्हें निकाल रहे हैं, लेकिन असम में जब वोट डाले जा रहे थे, जब वहाँ की जनता आपको वोट दे रही थी, जब आपने ये सवाल नहीं उठाया कि आपको वोट नहीं देना चाहिए, यहाँ पर घुसपैठिए भी हो सकते हैं, दूसरे देश से भी आ सकते हैं, तब आपके अंदर कोई सवाल नहीं आया, तब तो आपने वोट लिया, जीते और आप चलते चले गए। अब आप सवाल उठा रहे हैं भारत की जनता पर, ये कहाँ तक सही है? ममता बनर्जी ने एकदम सही कहा है कि वोटर लिस्ट में नाम चढ़वा लीजिए, फिर आपका भाजपा सरकार कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपकी क्या राय है ममता बनर्जी के इस बयान पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी मुझे दीजिए इजाजत, ऐसी बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।